आज के समय में पुरुषों की तरह महिलाओं में भी गंजेपन की समस्या देखने को मिल रही है। आजकल के खानपान और जीवन शैली के कारण असमय बाल झड़ने से गंजेपन की समस्या हो रही है। महिलाओं में गंजेपन की समस्या हार्मोन्स के असंतुलन के कारण होती है, या फिर बालों की जड़ों का कमजोर होना, सिर पर ज्यादा रूसी होना, बालों की जड़ों को जरूरी पोषक तत्व ना मिलना, गुस्सा करना, पर्याप्त नींद ना लेना आदि कारण शामिल हैं। महिलाओं में गंजेपन को दूर करने के लिए दो तरीकों को आजमाया जा सकता है, एक वैज्ञानिक, दूसरा घरेलू नुस्खा। वैज्ञानिक तरीके में शामिल है हेयर ट्रांसप्लांटेशन, लेजर ट्रीटमेंट और हेयर वीविंग, पर ये सभी तकनीक बहुत महंगे साबित होते हैं और इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। पर अगर आप घरेलू नुस्खों की मदद से इसे ठीक करने की कोशिश करेंगी तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। पहला नुस्खा है, मेथी को पूरी रात भिगो दीजिए, फिर सुबह उसे गाढ़ी दही में मिलाकर अपने बालों और जड़ों में लगाएं और थोड़े समय बाद इसे धो लें। इससे सिर की त्वचा के विकार समाप्त हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ बढ़ती है। उड़द की दाल को उबाल कर पीस लीजिए। रात को सोने से पहले इस लेप को सिर पे लगाएं। कुछ दिनों तक ऐसा करते रहने से बाल उगने लगते हैं। थोड़ी सी मुलेठी लेकर दूध की बूंदें डालकर उसे पीस लीजिए। फिर उसमें चुटकी भर केसर डालकर उसका पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को रात को सोने से पहले सिर पर लगाएं। केले का गुद्दा निकालकर उसे नींबू के रस में मिलाकर सिर पर लगाने से बालों के झड़ने की समस्या कम होती है और बाल फिर से उगने लगते हैं। इसके साथ साथ महिला अपने खानपान पर ध्यान दे तो गंजेपन की समस्या दूर होती है। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें